नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के आबली घाट में शनिवार को परिवार के साथ नर्मदा नदी में स्नान करने गई 15 वर्षीय लड़की डूब गई थी। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर सिवनी मालवा थाने का पुलिस बल पहुंचा था, जहां नाबालिग को पानी में ढूंढने का प्रयास किया गया, परंतु उसका सुबह तक कुछ पता नहीं चल पाया था, जिसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला लड़की की तलाश करवाने में जुट गया था। आबली घाट पर तहसीलदार पुष्पेंद्र निगम, थाना प्रभारी जितेंद्र यादव सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा भोपाल से SDRF की टीम को बुलवाया गया था, जिसके बाद टीम पानी में उतरी थी कि तभी अचानक सब तैरता हुआ पानी में ऊपर आ गया। शनिवार को घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं पूरी रात सर्चिंग टीम ने शव को ढूंढा, परंतु शव नहीं मिला, जिसके बाद SDRF की टीम भोपाल से बुलाई गई। घटना शनिवार दोपहर लगभग 3 बजे की बताई जा रही है। बीलपुरा निवासी सोनम पिता भगवती सोनी अपने परिवार के साथ आबली घाट स्नान करने गई थी, अचानक गहरे पानी में डूब गई। 24 घंटे के बाद आखिर में नाबालिग का शव टीम को मिल गया, जिसे निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जा रहा है। नाबालिग के शव को ढूंढने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा 24 घंटे से लगातार प्रयास किया जा रहा था। SDRF की टीम गहरे पानी में उतरी, उसकी हलचल से अचानक नाबालिग का शव पानी में ऊपर आ गया। SDRF की टीम में सुनील अहिरबार, धर्मेंद्र कुमार साहू, राकेश मरकाम, जयराम कुमार, अनिल शर्मा, शशि भूषण तिवारी, बालकृष्ण शुक्ला एवं राम बाबू शामिल रहे। खबर मिलती है डीप डाइविंग करनी है यहाँ पर, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन थी, एग्जैक्ट लोकेशन की वजह से डीप डाइविंग करना आसान होता है। हमारे प्रधान रक्षक डीप डाइवर जो हैं राकेश कुमार मारकाम, वो अंदर गए, पानी गिराए, हमें कम से कम 20 से 25 फीट मिली थी। हमने का सर्च किया, कभी 15 से 20 मिनट सर्च करने के बाद जो डीप डाइवर की हलचल से जो अंदर सर्च किया, उसने जो हलचल मचाई, उसकी वजह से बॉडी जो है हमारी बोट की जस्ट बगल में ऊपर आ रही थी, बॉडी हमने रिकवर करके कुछ पत्थर।